भगवान राम के जन्मोत्सव को यूं तो देश भर में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। जगह जगह पर शोभा यात्राएं निकाली जाती हैं। इस साल रामनवमी 30 मार्च को मनाई गई। इस शुभ दिन पर देश भर में कई जगह हिंसा की घटनाओं के साथ प्रशासन की नाकामी देखने को मिली। रामनवमी पर महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर, जलगांव, गुजरात के वडोदरा, पश्चिम बंगाल के हावड़ा इस्लामपुर और लखनऊ में भारी बवाल हुआ। राम नवमी के अवसर पर कई जगह हिंसा और आगजनी की घटनाएं हुई, जहां राज्य सरकार को पुख्ता इंतजाम करने चाहिए थे ताकि राम भक्त त्योहार अच्छे से मना पाएं। वहीं बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जवाबदेही से बचते हुए विपक्ष पर ही हमलावर होते हुए नजर आईं। गौरतलब है कि देश भर में हुई इस हिंसा के दौरान लोगों के घायल होने की खबर है। वहीं 74 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में रामनवमी पर निकाली गई शोभा यात्रा पर उपद्रवियों ने पथराव और आगजनी की। सड़क पर खड़े वाहन फूंक दिए गए, दर्जनों गाड़ियों को जला दिया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जिस वक्त वहां उपद्रव हो रहा था, पुलिस के जवान वहां मौजूद थे, लेकिन शिकायत करने के बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया। आरोप ये भी है कि हावड़ा में रामनवमी पर शोभा यात्रा के दौरान सड़क किनारों बने घर से पथराव किया गया। साथ ही बांकुरा में जुलूस रोकने पर भी हंगामा हुआ। वहीं अंततः पुलिस जब जाएगी तो हिंसा पर काबू पाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया और आंसू गैस के गोले छोड़े। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 36 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। इस हिंसा पर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हावड़ा हिंसा पर राज्य प्रशासन की नाकामी पर भी विपक्ष को घेरा है। उन्होंने एक तरह से हिंसा पीड़ितों पर ही सवाल खड़ा किया। उन्होंने कहा कि सुना है हावड़ा में दंगा हुआ है, मेरी आंखें और कान खुले हैं। रमजान के समय मुस्लिम कोई गलत काम नहीं करते हैं, हिंसा में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। मैं दंगा फैलाने वालों का समर्थन नहीं करती, ऐसे लोग देश के दुश्मन हैं। गुजरात के वडोदरा के फतेहपुरा में राम नवमी की शोभा यात्रा पर पथराव के बाद इलाके में हिंसा भड़की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उपद्रवियों ने शोभा यात्रा पर पत्थर फेंकने शुरू किए, जिसके बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया। पुलिस के मुताबिक एक मस्जिद के सामने दो पक्षों में टकराव हुआ और बवाल हो गया। हालांकि कुछ समय में पुलिस ने एक्शन लेते हुए उपद्रवियों की धरपकड़ शुरू कर दी। देर रात तक उपद्रवियों की धरपकड़ जारी रही और स्थिति पर नियंत्रण पाया गया। अब तक 20 से ज्यादा उपद्रवियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर, जो कि पहले औरंगाबाद हुआ करता था, उसके किराड़पुरा इलाके में दो गुटों के बीच झड़प हुई थी। बताया गया कि हिंसा तब हुई जब एक तरफ से शोभा यात्रा निकल रही थी और दूसरी तरफ रमजान के महीने में लोगों का भारी हुजूम खड़ा था। दोनों गुट जब आमने सामने आए तो हिंसा शुरू हुई। पुलिस ने भीड़ को काबू में करने के लिए, लोगों को खदेड़ने के लिए हल्के बल का प्रयोग किया, जिससे भीड़ तितर बितर हो गयी। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जानकीपुरम में राम नवमी के मौके पर डीजे बजाने को लेकर दो गुटों के बीच विवाद हो गया। दरअसल जानकीपुरम के मनिया गांव के पास शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। शोभा यात्रा में तेज आवाज में डीजे भी बजाया जा रहा था। यात्रा जैसे ही मस्जिद के पास पहुंची तो वहां लोगों ने डीजे बंद करने के लिए कहा और डीजे बंद भी किया गया, लेकिन इसके बावजूद कुछ मिनटों में हाथापाई और पथराव शुरू हो गया। वहीं मामले की सूचना फौरन पुलिस को मिली और उपद्रव करने वाले लोगों को हिरासत में ले लिया गया। बिहार में रामनवमी के मौके पर सासाराम और बिहार शरीफ में दो गुटों के बीच हिंसक झड़प हुई है। दरअसल शोभा यात्रा के दौरान दो पक्षों के बीच जमकर पथराव हुआ और आगजनी हुई, जिसके बाद इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों जगहों पर 26 से ज्यादा लोगों के घायल होने की खबर है। इसी बीच गृह मंत्री अमित शाह का सासाराम का दौरा भी रद्द कर दिया गया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बताया कि अमित शाह केवल नवादा की जनसभा को संबोधित करेंगे। देश में बढ़ती सांप्रदायिक हिंसा मानो रुकने का नाम नहीं ले रही है। बड़े बड़े त्योहारों पर हिंसा मानो आम बात होती जा रही है। देश में आपसी भाईचारा अब केवल बातों का रह गया है और ऐसे मौके पर प्रशासन की जवाबदेही की जगह नाकामी देखने को मिल रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री भी भड़काऊ बयान देकर एक विशेष समुदाय को फेवर करते हुए नजर आते हैं, तो ऐसे में बाकी समाज के लोगों की आजादी का क्या? अब इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है, हमें जरूर बताएं। क्या आपसी भाईचारा देश में बचा ही नहीं है और क्या प्रशासन इन मामलों में नाकाम दिख रहा है? बाकी तमाम खबरों से रूबरू रहने के लिए आप बने रहिए द न्यूज़ 15 के साथ।